अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है और बहुत कुछ ट्राई करने के बावजूद आपका हेयर फॉल कम नहीं हो रहा, या आपके सर में डैंड्रफ है जो ख़त्म नहीं हो रहा, या आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, या फिर ब्लो ड्राई और स्ट्रेटनिंग करने की वजह से आपके बाल बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हल। जी तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ख़ास तरीका जिससे मैं अनियन ऑयल तैयार करती हूँ, जिससे बाल गिरना बिल्कुल ही रुक जाते हैं। अगर बालों में डैंड्रफ हो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं इससे। अच्छा, अगर आपके बाल ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनिंग करने की वजह से डैमेज हो चुके हैं तो ये उस डैमेज को भी रिपेयर कर देगा, बाल हो जाएंगे लंबे, घने और चमकदार। तो इसके लिए हमें चाहिए एक सूखा हुआ प्याज। अब प्याज को छील लीजिए। जी तो व्यूवर्स, प्याज में सल्फर पाया जाता है जो कि हमारे हेयर फॉल को रोकता है, हमारे बालों को लंबा और घना बनाता है, हमारे जो डैमेज बाल होते हैं उनको रिपेयर करता है। अच्छा, जो बाल हमारे गिर चुके होते हैं उनको रीग्रो करता है। तो देखिए, इस तरह से आप प्याज को छील लीजिए। अब इसको टुकड़ों में काट लीजिए। अब हमने इस प्याज को शेड करना है। जी ये थोड़ा मेहनत वाला काम है पर इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस तरह से सारे प्याज को आपने शेड करना है। जी तो मैंने सारे प्याज को शेड कर लिया है, ये तकरीबन 1 कप के करीब प्याज शेड हुआ है। अब इस प्याज को आपने साइड पे रख देना है। जी तो अब लीजिए एक गार्लिक यानी कि लहसुन दरमियाने साइज़ का, अब इसको छील लीजिए। व्यूवर्स, गार्लिक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारे सर की जल्द को साफ़ करता है, और जो बैक्टीरिया होता है हमारे सर की जल्द में जो हमारे सर की जल्द को डैमेज करता है ये उसको ठीक करेगा। इस तरह से आपने सारा गार्लिक छील लेना है। अच्छा, गार्लिक हमारी हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है और ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जी तो अब इस गार्लिक को आपने शेड कर लेना है। जी तो इस तरह से आप सारा गार्लिक श्रेड कर लीजिए। जी तो मैंने अनियन और गार्लिक को श्रेड कर लिया है। तो जी हमारा जो ज़्यादा मेहनत वाला काम था श्रेडिंग का वो तो ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें चाहिए एक पैन, जिस पैन में आप गार्लिक और अनियन को डाल दीजिए और आंच बिल्कुल ही दरमियानी रखनी है आपने। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप के करीब मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। इस सरसों का तेल आपको पता है ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारे बालों को नरिश करता है, हमारे बालों को जो ग्रोथ होती है उसको बेहतर करता है। ये तो देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के करीब कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। तब मेक श्योर आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी आपने, वरना आपका प्याज जल जाएगा और आपका ऑयल ठीक नहीं बनेगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी 2 चम्मच।
जी कलौंजी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये हमारे डैंड्रफ को ख़त्म करती है, जो वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको ठीक करेगी, हमारे बालों को रीग्रो करेगी, हेयर फॉल को प्रिवेंट करेगी, इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। अच्छा, आपने इस तरह से इसको चम्मच हिलाते रहना है। जी तो तकरीबन मैंने 15 मिनट तक पका लिया है आप इसको, और आप देख सकती हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अभी मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी क्योंकि अभी तक प्याज का कलर ब्राउन नहीं हुआ कम्प्लीटली। जी तो आप देख सकती हैं इसका कलर मज़ीद डार्क हो गया है। जी फाइनली हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है और तकरीबन मुझे 20 मिनट के करीब लगे हैं इस प्याज को ब्राउन करने पे, बिल्कुल ही हल्की आंच पे। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको थोड़ी देर में ठंडा होने दूंगी। तो जी हमारा ऑयल तकरीबन रेडी है, बस इसको ठंडा होने दें अब। जी तो अब आपने एक बाउल लेना है और इस पे इस तरह से कॉटन का कपड़ा रखना है। जी तो अब इस ऑयल को हमने स्ट्रेन करना है। जी तो इस तरह से दबा के हाथ की मदद से आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। व्यूअर्स, हमारा ऑयल रेडी है और इस ऑयल की स्मेल बिल्कुल भी बुरी नहीं है क्योंकि हमने इसमें जो ब्लैक सीड्स यूज़ की हैं इसकी वजह से इसकी स्मेल बहुत अच्छी हो गई है। जी तो आप कोई भी साफ़ बॉटल ले लें, ये ऑयल बॉटल में डाल दें। व्यूअर्स, तो हमारा ऑयल रेडी है, इस ऑयल से आपने अपने बालों की जड़ों में मसाज करना है। आप चाहें तो आधे घंटे के लिए छोड़ सकती हैं, चाहे तो ओवरनाइट आप अपने इसको बालों पे लगा हुआ छोड़ सकती हैं। जी तो इस ऑयल को आपने रेगुलर यूज़ करना है। अच्छा, इस ऑयल को आप 6 महीने तक सेव कर सकती हैं, 6 महीने तक आपका ऑयल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस इसको किसी एयर टाइट बॉटल में डाल दें। अच्छा, फिर जब भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है, ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा कर देगा और इससे आपके बाल बिल्कुल ही हेल्दी और शाइनी हो जाएंगे।